कानपुर ब्रेकिंग न्यूज, शमशान घाट पर देखिए उगाही का खेल, मित्र की चिता के साथ जलने को तैयार हो गया मित्र। अभी तक तो आपने किसी सरकारी विभाग द्वारा जिंदा इंसान से रिश्वत या भ्रष्टाचार की खबरें सुनी और देखी होंगी, लेकिन क्या मुर्दे के अंतिम संस्कार के लिए जबरन उगाही का नजारा देखा है? अगर नहीं तो चलिए हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर, जहाँ भागवत दास शमशान घाट पर वह नजारा देखने को मिला जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि घाट परिसर में उगाही से परेशान राकेश मिश्रा अपने मृत मित्र की पिता के साथ जिंदा जलने को आतुर हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के हाथ पांव फूल गए। और जब तक राकेश अपने मित्र की चिता के साथ अपने आप को अग्नि के हवाले करते, तब तक मौके पर पहुंची पुलिस ने राकेश को अपने कब्जे में ले लिया और जबरन घसीटते हुए चिता से उठाकर थाने ले आए, जहां राकेश ने शमशान घाट के पंडों पर सरकारी तय फीस के अलावा हजारों रुपए की उगाही किए जाने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरी जानकारी देते हुए आपको बताना चाहेंगे कि कानपुर के किदवई नगर में रहने वाले राकेश के पड़ोसी मित्र का अचानक निधन हो गया, जहां से अंतिम संस्कार के लिए मृत शरीर को भागवत दास घाट लाया गया, जहां अंतिम संस्कार के लिए तय सरकारी फीस का भुगतान कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद घाट में मौजूद पंडों द्वारा अलग से धन उगाही की जाने लगी, जिस बात का विरोध किए जाने पर पंडे मारपीट पर उतारू हो गए। बस क्या था, राकेश मिश्रा को इतना गुस्सा आया कि इस दबंगई और उगाही के खेल को उजागर करने के लिए इस तरह का निर्णय लेकर सभी अधिकारियों के कानों तक इस बात को पहुंचाने का कार्य किया गया। कानपुर से जितेंद्र सोनकर की खास रिपोर्ट। क्या मामला है, जिसको भी बात कर रहा है? मेरा नाम राकेश मिश्रा है। हाँ। आज मैं अपने मित्र के पिताजी एक्सपायर हुए थे, उनकी मिट्टी में मैं आया था। यहाँ पर घाट के ऊपर सरकार द्वारा ये पता चला 400 रुपए की वसूली होती है, 400 रुपए की रसीद दिए जाने का प्रावधान है, परंतु यहाँ पर मिट्टियों से 1000 रुपए से लेकर के 10-10, 11-11 हजार रुपए लिए गए हैं। मेरे पास उसका वीडियो फुटेज है। और मरने के उपरांत अगले दिन जो है सुरेश पंडा एक रसीद देते हैं, जिसको जो कहीं पर भी अंकित नहीं है, उस पर भी ये अवैध वसूली करते हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व, 40 दिन पूर्व मेरे पिताजी भी एक्सपायर हुए थे, उसमें मैंने यहाँ घाट पर इस लूट को देखा हुआ है। मैं इस लूट का साक्षी हूँ। मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ कि यह संबंधित क्षेत्र में आज आप क्या कर रहे थे? आज जो है मैं जो है अर्थी पर जब ये अर्थी पर मैं बैठा हुआ था अर्थी पे, कि जब इनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, आदमी मर गया तो जब ये जीते मरते मरते नहीं कर रहा, तो हमने कहा जीते जीते जल जाना है अब। ठीक है। सियासी गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक एंटरटेनमेंट के तड़के से लेकर कारोबार के उतार चढ़ाव तक, मंदिरों में बजती घंटियों से लेकर दरगाह की नमाज तक, जुर्म के दलदल के हर झूठ का करेंगे पर्दाफाश। यहाँ हर खबरें उगलेंगी, हर कातिल के राज, खबरें नहीं खबरों का सटीक विश्लेषण। क्योंकि आप देख रहे हैं अखंड न्यूज़ 24।